अमृत वेले गुरुदेव पिता जी ने जो पावन हुक्मनामा बख्शिश कीता है, ये पावन शब्द धन साहिब श्री गुरु रामदास जी का उच्चारण किया होया सोही राग अंदर आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 735 ते अंकित है। इस पावन शब्द राही गुरदेव पातशाह जी ने सानू एक ऐसे जीवन की जुगत बख्शिश की है जिस जीवन जुगत को अपना के मनुख विकारां दे हर किस्म के रोग तो बचिया रह सकता है, क्योंकि होमे सब तो वड्डा रोग है जिस राही मनुख दे अंदर होर अनेकां विकार पैदा हुंदे हन। होमे ग्रसत जो मनुख है उस दी अपने परिवारक मैंबरां दे नाल भी ठीक ढंग दे नाल बन नहीं आउंदी। होमे ग्रसिया बंदा समाज दे अंदर भी अपने मिलवर्तन नूं संतुलित नहीं रख पाउंदा। होमे ग्रसित इंसान गुरु और प्रभु तों वी दूर रहिंदा है, क्योंकि हरजू हंकार ना पावई वेद कूक सुनावे। जिथे हो है उथे तू नहीं, ते जिथे तू है उथे मैं नहीं है। इन्हां विकारां तो किवें बचिया जाए, गुरदेव पातशाह जी ने सानू इस पावन शब्द राही समझाया है। आओ बड़े प्यार नाल विचार करन दा यतन करिए। धन गुरु रामदास जी महाराज पहला बचन करते हैं, जिनके अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाए। जिन्ना मनुखां दे हिरदे अंदर मेरा हरि प्रभु परमात्मा वस गया है, उन्हां दे प्रभु ने सारे रोग गवा दित्ते हन। जिन्ना दे हिरदे विच हरि वस गया, मतलब जिन्ना दे हिरदे अंदर प्रभु दे गुण वस गए, उन्हां दे सारे रोग गवाच गए, खत्म हो गए। ये किवें गवाच गए रोग? मैं रोज़ बेनती कर रहा प्यारियो, जिन्हां दी सोच अंदर जिन्हां दे हिरदे विच सच वस जाएगा, जो सच नूं जीवन दा आधार बनाएंगे, उन्हां दी जिंदगी चों झूठ दा रोग आपे ही खत्म हो जाएगा। जिन्हां दी जिंदगी अंदर प्रेम पैदा हो गया, उन्हां दे जीवन चों ईरखा दा रोग आटोमैटिकली चला जाएगा। ता जरूरत है इन्हां रोगां तों बचण दी, विकारां तों बचण लई प्रभु परमात्मा दे गुणां नूं अपने हिरदे दे अंदर वसाउण दा यतन करिए। ते मुकत पए जिन हर नाम ध्याया तिन पवित्र परम पद पाए। जिन्हां ने हरिनाम नूं अपने ध्यान विच वसाया वह विकारां तों मुकत हो गए और उन्हां ने पवित्र दर्जा उच्चा जीवन का दर्जा हासिल कर लिया। उन्हां दी जीवन जुगत महान हो गई जिन्हां ने हरिनाम का ध्यान धरिया, भाव जिन्हां दे हिरदे अंदर जिन्हां दे ध्यान दे अंदर रब्बी गुण वस गए और जिन्हां दा ध्यान रब्बी गुणां दे नाल वस गया मिल गया, वह मुक्त हो गए। क्योंकि मुक्ति मरण तो बाद नहीं है, मुक्ति ज्यौंदियां मिलनी है, मुक्त ज्यौंदियां होना है। भगत बेणी जी का पावन कथन है, बेणी कहे सुनो रे भगतो मरण मुकत किन पाई। भगत बेणी जी कहंदे ने कि हे प्रभु प्यारियो, सरवण करो और इस गल बारे विचार करो कि मरण तो बाद मुक्ति किन्ने पाई है, भाव शरीरक मौत तो बाद कदे भी किसी ने मुक्ति हासिल नहीं की। जो भी मुकत होया विकारां तो वह ज्यौंदे जी होया। गुरु जी ने पावन बाणी विच सानू बड़े प्यार दे नाल समझाया कि मुक्ति है कि उस्तत निंदिया नाहे जिहे कंचन लोहो समान कहो नानक सो मुक्त नर। वो बंदा मुक्त है जिस बंदे ने उस्तत और निंदा का त्याग कर दिता। उस्तत निंदिया नाहे जिहे कंचन लोहो समान कहो नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तैं जान। गुरुदेव पातशाह कहंदे ने ऐ मेरे मन, उस बंदे नूं ही मुकत समझ जिस दे अंदर ना तां किसी दी झूठी बदखोई दी लालसा है,
और ना ही जिस दे अंदर उस्तत यानी किसी की झूठी चापलूसी है। जो बेगाने हाका दिक नहीं खांदा वो बंदा मुकत है। धन गुरु तेग बहादुर जी ने मुक्ति दे लक्षण इस तरह दसे हन, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सने अर पै नहीं जाके, कंचन माटी माने, नह निंदया नह उस्तत जाके, लोभ मोह अभिमाना हरक सोग ते रह न्यारो, ना ही मान अपमाना, आसा मनसा सगल त्यागे, जागते रह निरासा, काम क्रोध जिह परसे नाहिन ते कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जिह नरको कीनी ते ए जुगत पछानी, नानक लीन पयो गोविंद स्यों ज्यों पानी संग पानी। यानी जो ज्योंदे जी उस मालक दे गुणा दे अंदर लीन अपने आप नू कर गया वो बंदा मुकत है। तो गुरु पातशाह जी कहंदे ने जिन्होंने हरी गुणा नू अपने हिरदे विच वसाया वो इंसान ज्योंदे ही मुकत हो गए और उन्होंने महान उच्चा जीवन और महान उच्ची पदवी हासिल कर ली। मेरे राम हरदन आरोग पे, हे मेरे राम जो हरि दे दास ने वो होमे आदिक रोगों तो मुकत हो जाते हैं। रब्बी प्यारियां दे मन अंदर होमे का कोई रोग नहीं है, ईरखा द्वेष का रोग नहीं है, मेर तेर दे वितकरे रब दे प्यारियां दे अंदर नहीं हन। भाई कन्हैये दी तरह वो जिंदगी जीवन बसर करते हैं। उन्हां दे मन अंदर अपने और पराए का भेदभाव नहीं, वो सब दे नाल एक जैसा विहार करते हैं और विकारां तो मुक्त हो जाते हैं। ऐसा किवें हो गया जां ऐसी सोच किवें मिल जाएगी और किन्हां नूं मिली? गुरु पातशाह जी बचन करते हैं, गुर बचनी जिन्ह जपया मेरा हर हर तिनके होमे रोग गए। गुरु के बचना ते जिन्होंने अमल किया, गुरु के बचना राही जिन्होंने मेरे प्रभु के गुण गाए, प्रभु के गुणा के धारनी होए, उन्होंने अंदरों होमे आदिक के रोग दूर हो गए। तो होमे आदिक के रोगों नूं दूर करन दा इको एक साधन है ते ओ है अपनी मत नूं त्याग के गुरु दे मत दे धारनी हो जाना, ज्ञान गुरु की अगवाई के अंदर जिंदगी जीनी, गुरबाणी के दिते हुए वे ऑफ लाइफ नूं अपना लेना। साढ़े अंदरों होमे चली गई जा नहीं चली गई इहदा पता किवें लगाइए? तो इहदा पता लगाउण दा इको एक साधन है कि अपने जीवन नूं अपनी सोच नूं अपने बोलां नूं गुरबाणी की कसवटी ते परखण दा यतन करिए। जे साडी सोच साडे बोल साडा विहार गुरबाणी अनुसार है तो इहदा मतलब साडे अंदर ईगो होमे नहीं है, क्योंकि असी अपनी मत का त्याग कर गुरु मत दे धारनी हो गए हैं। तो जे असी गुरु के किसी भी बचन नूं नहीं मन रहे, गुरमत तो उलट जिंदगी जी रहे हाँ, तो इहदा मतलब असी अपनी सियाणप अपनी मन की मत मुताबक जी रहे हाँ, असी होमे ग्रस्त हाँ। अगला बचन गुरदेव पातशाह करते ने, ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी विच होमे कार कमाई। पुराणा दियां दसियां साखियां अनुसार बेशक कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव आदिक भी होवे, जे उन्होंने भी होमे के अंदर कार कीती है तो वह भी रोगी ही गिने जाणगे। क्यों रोगी किवें गिने जाणगे? जिन किए तिसे न चेते बपुड़े, हर गुरमुख सोझी पाई। जिसने पैदा किया है जो उसनू नहीं चेतदा, उदे बनाए कुदरती नियमों अनुसार जिंदगी नहीं बतीत करता, उन्नू होमे ग्रस्त और विकारां दे अंदर ग्रस्त ही मन्या जाएगा, क्योंकि उदी जिंदगी दे अंदर अनेकां विकार आ जाणगे, अनेकां विकारां दा ओ रोगी हो जाएगा। ते सूझ किवें मिलेगी? हर गुरमुख सूझी पाई। गुरमुख दा मतलब गुरु दे दसे राहां ते तुरन वाले, गुरु दे चरणां दी शरण विच जो आउंदा है उन्नू प्रभु परमात्मा सूझ बख्शदा है, उन्हों जीवन की सही सूझ मिलती है, वो जीवन की सही जुगती नू अपनांदा है, उन्हों इस समझ आ जाती है कि रब्बी गुणा दे धारनी होना ही असली जिंदगी है।
ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜਵਾਨ, ਬੱਚਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਐਸੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਸਭ ਜਗਤ ਵਿਆਪਿਆ, ਤਿੰਨ ਕੌ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਚੰਬੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਜੋ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵਿਆਪਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਕੌ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣੈ ਔਰਨ ਕੌ ਲਗ ਮਾਤ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜਕ ਜਾਤ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਬਚਨ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੋਜਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਔਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਬੀਤਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਸ, ਹੇਤ, ਲੋਭ, ਕੋਪ, ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਂਬੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਕੇ ਰਾਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕੌ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਚੰਬੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜੀ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ? ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਉਂ ਮਥਨ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਤਿਉਂ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਜੋ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਡਰ ਔਰ ਸਹਿਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਾ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਚਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ,
पर उपकार की भावना के नाल जींदे ने, सरबत का भला मंगते ने, सरबत का भला करन दी ट्राई भी करते ने, किसी का सहयोग करते ने। ऐसे इंसान भी इस दुनिया विच मौजूद ने। तो वह इंसान इन्हां विकारां तो किवें बचे, जां असीं इह सवाल करिए कि जो बचना चाहते ने वह किवें बच सकते ने, असीं इन्हां विकारां तो किवें मुक्ति पा सकते हैं। तो गुरदेव सानू इसका उत्तर दे रहे ने, गुर प्रसादी को विरला छूटै तिस जन को हो बलिहारी। कोई विरला मनुख गुरु की कृपा दे नाल इस होमे तो और बाकी विकारां तो छूट जांदा है, बच निकलता है। किवें निकलता है? गुरु की कृपा नाल। ते गुरु की कृपा का मतलब गुरु का ज्ञान, गुरु की दित्ती जीवन जुगत, गुरु के सिद्धांत, गुरु की विचारधारा, गुरु की फिलोसफी। यानी असी सौखे शब्दों के अंदर समझना होवे ता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन बाणी राही दिता हुआ जो वे ऑफ लाइफ है, जीवन का ढंग है, जो इस जीवन ढंग नू अपना लैंदा वो बंदा इन्हां विकारां तो बच जांदा है। ते ऐसा इंसान चाहे राजनीति दे विच जाए, समाज विच जिंदगी जीवे, धार्मिक जीवन जीवे, जां आर्थिक दुनिया के अंदर काम करता होवे, वो हर थां ते इमानदारी दे नाल काम करेगा। उदी जिंदगी उदी सोच दे अंदर विकार नहीं होंगे। जे ऐसे लोग राजनीति दी दुनिया विच आ जान तां दुनिया दे अंदर राजनीतिक समस्यावां हल हो सकतियां ने। जे ऐसे लोग समाजिक जिंदगी जीणगे तां समाज दे अंदर एक भाईचारक समाज पैदा होएगा, जातिवाद मेर तेर दे वितकरे मुक्कणगे। धर्म दी दुनिया विच जे ऐसे लोग होणगे तां एको धर्म दृढ़ सच कोई दी भावना संसार अंदर पैदा होएगी। धार्मिक दुनिया अंदर जो विवाद ने वो मुक्कणगे। एक धर्मी इंसान दूजे धर्मी अखवान वाले का विरोधी नहीं होएगा, सगो सच के धारनी ही सारे लोग होणगे और धार्मिक वाद विवाद खत्म होएगा। धर्म के नाम से अंधविश्वास नहीं फैलणगे। धर्म के नाम से जो लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते ने वो सारी बंद होएगी। इस तरह आर्थिक दुनिया विच जदों गुरु के दसे राहां ते तुरन वाले लोग होणगे तां दो नंबर के धंधियां वास्ते इस दुनिया विच कोई थां नहीं रहेगी। तां गुरु पातशाह जी कहिंदे ने, गुरु की रहमत दे नाल कोई विरला इंसान इन्हां विकारां तो बच निकलदा है। ते जिहड़ा इंसान इन्हां विकारां तो बच निकलदा है, गुरु जी कहिंदे ने तिस जन को हो बलिहारी, उस मनुख तो मैं सदके जांदा हाँ, उस मनुख तो वारने जांदा हाँ, कोल कुमाई हुंदा हाँ, उहदा मैं आदर करदा हाँ, उहदा मैं सत्कार करदा हाँ। जन नानक धूड़ मंगे तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावे। गुरु पातशाह जी कहिंदे ने, मैं आप ऐसे गुरसिख की चरण धूड़ मंगना, भाव मैं उदा आदर सत्कार करदा, जो इंसान आप भी रब्बी गुणा का धारनी हुंदा है और दूजे लोगों नूं भी गुणा दे धारनी होण दी प्रेरणा दिंदा है। जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै ताका रूप अपारो। जिसने ये सृष्टि साजी है, जिस तरह ही यह सृष्टि होंद विच आई है, उही इस सृष्टि बारे जाणदा है, कदों पैदा कीती, किवें पैदा कीती, जीवां दे अंदर बैठा हर जीव दी वेदना भावना नूं जाणदा है, हर जीव दे अंदर बैठा हर जीव दी सोच नूं उह समझदा है। तां का रूप अपारो, ते उस मालक दा रूप पार तों परे है, उहदा अंत नहीं पाया जा सकता, उस परमात्मा दा स्वरूप हद बनने तों परे है। जदों असीं इस पूरे ब्रह्मंड नूं तकदे हाँ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋਂ ਮੇਰਿਓ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨੇਤਰੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਪਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਅਪਾਰ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ।
नानक आपे वेख हर बिकसै गुरमुख ब्रह्म विचारो। नानक आपे वेख हर बिकसै, बिकसै का मतलब खुश हुंदा है, ब्रह्म विचारो का मतलब परमात्मा के गुणों की विचार। वो प्रभु आप ही अपनी सृजी हुई सृष्टि नूं वेखदा है और आप ही सृष्टि के अंदर खुश हो रहा है, विगस रहा है। जरूरत तो उस विगस रहन नूं वेखण दी है, जरूरत तो इस कायनात नूं गहो दे नाल तकण दी है। जदों तुसी इन्हां रुखां दरख्तां नूं प्यार दे नाल तकोगे तो इन्हां दे अंदर वसदा हरी नज़र ही पवेगा। ये रुख तुहानूं गाँवदे हुए नचते हुए प्रतीत होणगे। हवा की सां दे अंदर उस मालक का ही संगीत सुनाई देवेगा। जलां थलां दे अंदर वो प्रभु ही फुलिया बैठेगा, दिसतेगा। हर फुल दे अंदर तुहानूं उस मालक की ही सुगंध नजरी पवेगी और हर मूरत दे अंदर उस प्रभु की जोत नजरी पवेगी। गुरमुख ब्रह्म विचारों तो भाव गुरु की शरण पै के प्रभु दे गुणा की सूझ आउंदी है। ब्रह्म विचारों का मतलब ब्रह्म की विचार, ब्रह्म के गुण। गुरु की शरणी पै के ही प्रभु परमात्मा के गुणों की सूझ आउंदी है। गुरु की शरणी पै के ये इंसान अपने ही अंदरों उन्हां रब्बी गुणों नूं प्रगट करता है और उन्हां गुणों के उत्ते अमल करता हुआ अपने इंसान नूं, अपने आप नूं गुण गांदा, गुणी दे विच अभेद कर दिंदा है। गुण कहे गुणी समावणिया। और गुरुदेव ने पावन बाणी के अंदर बचन भी किया है, गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई। यही प्रभु परमात्मा के नाम का ध्यान धरन का ढंग है कि गुरु की सेवा कर, भाव गुरु के दसे राह ते तुर, रब्बी गुणा नूं गा और उन्हां गुणा नूं प्राप्त करके रब के अंदर अपीत हो जा। गुरु पातशाह जी रहमत करन, असी भी गुरबाणी का पाठ आप करिए, गुरबाणी के अर्थ भावों आप समझिए और गुरबाणी अनुसार जिंदगी जी के अपने जीवन को सफल और सुचज्जा करन दा यतन करिए। होइयां भुलां की खिमा गज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।